हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस, आज मैं आप लोगों को कुछ ही स्टेप से फोटो एडिटिंग सिखाने वाला हूं। तो गाइस, इस एडिटिंग को सीखने के लिए वीडियो को कंप्लीट देखना, एंड हमारे चैनल में नहीं हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि हमारे ऐसे ही एडिटिंग से रिलेटेड वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच पाए। ओके गाइस, तो चलिए एडिटिंग स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम अपने लाइटरूम एप्लीकेशन ओपन करेंगे, एंड ओपन हो जाने के बाद प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे, एंड अपनी गैलरी से एक फ़ोटो ऐड कर लेंगे जिस फोटो को हमें एडिटिंग करनी है। जैसे मैं अपनी गैलरी पे आ गया हूँ, एंड यहाँ से कोई भी एक फ़ोटो को लेता हूँ। जैसे मैं इस वाला फ़ोटो को लेता हूँ, एंड ऐड पे क्लिक कर देंगे। फ्रेंड्स, हमारी फ़ोटो लाइट रूम में ऐड हो चुकी है। ऑल फोटोज पे क्लिक करेंगे, एंड यहाँ पर है हमारी फ़ोटो, इस पे क्लिक करेंगे। सो गाइस, हमारी फ़ोटो लाइट रूम में ओपन हो चुकी है, एंड एडिटिंग के ऑप्शन आ चुके हैं। तो गाइस, सबसे फर्स्ट में जाते हैं कलर टूल पे, इस वाले आइकन पे यहाँ पर क्लिक करेंगे, एंड यहाँ से टेम्परेचर की वैल्यू को हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। तो गाइस, इसे रखते हैं +21, एंड यहाँ से टिंट की वैल्यू को हम थोड़ा सा माइनस करेंगे। ठीक है, तो इसे रखेंगे -4, एंड यहाँ से वाइब्रेंस की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे। तो गाइस, वाइब्रेंस की वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम +18, एंड नेक्स्ट जाते हैं मिक्स टूल पे, इस वाला आइकन पे यहाँ पर क्लिक करेंगे, एंड सबसे पहले स्किन टोन को सही करेंगे। तो उसके लिए जाएंगे हम ऑरेंज कलर पे, एंड ऑरेंज कलर में आने के बाद यहाँ से इसकी ह्यू की वैल्यू को हम थोड़ा सा माइनस करेंगे। ठीक है, तो इसे रखेंगे -6, एंड यहाँ से इसकी सैचुरेशन की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे। तो गाइस, इसकी सैचुरेशन को यहाँ से करेंगे हम +10, एंड यहाँ से इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को भी इंक्रीज करेंगे, ताकि जो हमारी स्किन टोन है वो थोड़ा और ब्राइट लगे। तो इसकी वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम +31, एंड नेक्स्ट जाते हैं येलो कलर पे, एंड येलो कलर में आने के बाद यहाँ से इसकी ह्यू की वैल्यू को करेंगे -100, एंड यहाँ से इसकी सेचुरेशन की वैल्यू को भी कर देंगे -100, एंड यहाँ से इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को हम थोड़ा सा माइनस करेंगे। ठीक है, तो इसे रखते हैं -14, एंड नेक्स्ट जाते हैं ग्रीन कलर पे, एंड ग्रीन कलर में आने के बाद यहाँ से इसकी भी ह्यू की वैल्यू को करेंगे -100, एंड यहाँ से इसकी सेचुरेशन की वैल्यू को भी कर देंगे -100, एंड यहाँ से इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को भी माइनस क्यू लेके जाएंगे। तो इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम -30, एंड ऊपर से कर देंगे डन। एंड नेक्स्ट जाते हैं लाइट के ऑप्शन पे, इस वाला आइकन पे यहाँ पर क्लिक करेंगे, एंड यहाँ से हाईलाइट्स की वैल्यू को हम थोड़ा सा माइनस करेंगे। तो इसकी वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम -22, एंड नेक्स्ट जाते हैं इफेक्ट के ऑप्शन पे, इस वाला आइकन पे यहाँ पर क्लिक करेंगे, एंड यहाँ से क्लैरिटी की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे। तो क्लैरिटी की वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम +19, एंड यहाँ से DH की वैल्यू को भी इंक्रीज करेंगे, ताकि जो हमारी फोटो है उसमें हमें HDR इफेक्ट देखने को मिले। ठीक है, तो इसकी वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम +11, एंड यहाँ से विनेट की वैल्यू को हम माइनस क्यू लेके जाएंगे। तो विनेट की वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम -50, एंड यहाँ से मीट फॉन्ट की वैल्यू को डिक्रीज करेंगे। तो गाइस, मीट फॉन्ट की वैल्यू को अपने फोटो के सब्जेक्ट के हिसाब से रखनी है। ठीक है, तो मैं इसे रखता हूँ 10, एंड यहाँ से फेदर की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे। तो फेदर की वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम +65। अब इस फोटो को हम स्मूथ करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए जाएंगे हम डिटेल के ऑप्शन पे, इस वाला आइकन पे यहाँ पर क्लिक करेंगे, एंड यहाँ से शार्पनिंग की वैल्यू को हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। तो इसे रखते हैं 16, एंड यहाँ से नॉइस रिडक्शन की वैल्यू को भी इंक्रीज करेंगे, ताकि जो हमारी फोटो है वो फटे नहीं, स्मूथ रहे। ठीक है, एंड नीचे आते हैं, यहाँ पर है कलर नॉइस रिडक्शन, एंड इसकी भी वैल्यू को हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, ताकि जो हमारी फोटो है वो परफेक्ट रूप से स्मूथ लगे। तो गाइस, इतना होने के बाद अब क्या करेंगे, इस फोटो को हम पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में इस फोटो को शेयर करेंगे। ठीक है, वहाँ पर 2 PNG हम ऐड करेंगे। तो शेयर करने के लिए सिंपल शेयर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, एंड यहाँ पर शेयर टू पे क्लिक कर देंगे, तो अपने फ़ोन पे जो भी एप्लीकेशन इंस्टॉल है यहाँ पे शो होगी। तो यहाँ से हम पिक्सआर्ट एप्लीकेशन को सेलेक्ट कर लेंगे। सो गाइस, हमारी फोटो पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में ओपन हो चुकी है। तो गाइस, यहाँ से जाएंगे हम ऐड फोटो के ऑप्शन पे, इस वाला आइकन पे यहाँ पर क्लिक करेंगे, एंड अपनी गैलरी से हम 2 PNG को ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो मैं अपनी गैलरी से आ गया हूँ, एंड यहाँ से कोई एक फोल्डर पे जाता हूँ जहाँ पर हमारा PNG है। ठीक है, तो यहाँ से दोनों PNG को हम सेलेक्ट करेंगे, एंड ऐड पे क्लिक करके ये दोनों PNG को हम ऐड करेंगे। ठीक है, और एक एक करके हम सही करेंगे, इसे हम अपनी फोटो में एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ पर इसे साइड में रखते हैं, पहले ये लाइट लेंस को हम एडजस्ट करेंगे। ठीक है, तो इस पर क्लिक किए रहना है, और यहाँ पर जाना है राइट साइड, यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा ब्लेंड का। ठीक है, तो इस पर क्लिक करना है,
एंड यहाँ से स्क्रीन के ऑप्शन को सिलेक्ट करनी है। स्क्रीन को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से इसे हम कुछ इस टाइप से रोटेट करेंगे, ठीक है। एंड रोटेट करने के बाद इसे हम कुछ इस टाइप से मिनिमाइज करेंगे। ऐसा लगना चाहिए जो हमारा ये लाइट है वो लैपटॉप से निकल रही है, ठीक है। तो चलिए मैं अपनी फोटो में परफेक्ट रूप से एडजस्ट करने का कोशिश करता हूँ। ओके, तो यहाँ से थोड़ा सा इसे फैलाएंगे एंड यहाँ पर कुछ इस टाइप से कर देंगे, ठीक है। इतना होने के बाद यहाँ पर लेफ्ट साइड में देखिए इरेजर का साइन है, इस पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ से इरेज को सेलेक्ट करेंगे एंड अपनी फोटो को जूम करेंगे और जहाँ पर यह हमारा एक्स्ट्रा पार्ट है उसे हम कुछ इस टाइप से रिमूव करेंगे। ऐसा लगना चाहिए कि जो हमारा लाइट है वो लैपटॉप से निकल रही है। इसके जगह आप मोबाइल को भी रख सकते हैं, कुछ इस टाइप से पॉज मोबाइल में खेलते हुए, लैपटॉप में खेलते हुए पॉज अपनी फोटो को क्लिक करा सकते हैं और कुछ इस टाइप से एनिमेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं कोशिश करता हूँ इस फोटो को परफेक्ट रूप से बनाने का। तो कुछ इस टाइप से हमें यहाँ से रिमूव कर देनी है, ठीक है। इतना करने के बाद यहाँ पर टिक का साइन है, इसे करेंगे हम डन। एंड डन करने के बाद यहाँ से क्या करेंगे, इसकी ओपेसिटी को हम डिक्रीज करेंगे। तो जितना आप इसकी ओपेसिटी को आपको रखना है उतना इसकी वैल्यू को हम रखेंगे। तो यहाँ से मैं इसकी ओपेसिटी को करता हूँ 54 एंड सेकेंड पीएनजी पर क्लिक करेंगे एंड इस पर क्लिक किए रहना है और यहाँ जाना है राइट साइड ब्लेंड का ऑप्शन पे, ठीक है। तो इस पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर जाएंगे हम लाइटिंग के ऑप्शन पे, इस वाले ऑप्शन पे, एंड इसे हम लाइट के अनुसार इसे एडजस्ट करेंगे कुछ इस टाइप से अपनी फोटो में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रखता हूँ कुछ इस टाइप से एंड लेफ्ट साइड में देखिए इस वाले ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है एंड यहाँ पर मूव डाउन पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। इतना करने के बाद लेफ्ट साइड में देखिए टिक का साइन है, यहाँ से कर देंगे डन। सो गाइज, जो हमारी फोटो है वो फाइनली एडिटिंग हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं बिफोर हमारी फोटो ऐसी थी एंड आफ्टर कुछ इस टाइप से। तो गाइज आप लोग को जूम करके दिखा देता हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं हमारी फोटो काफ़ी अच्छी एडिटिंग हो चुकी है। तो गाइज इस फोटो को सेव करने के लिए हमें लेफ्ट साइड में देखिए डाउनलोड का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देंगे, हमारी फोटो गैलरी में सेव हो जाएगी। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बेस्ट ऑफ लक।